एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चे जग्गू और कुक्कू के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत सुंदर थी। जंगल का एक दुष्ट चील उस पे नजर रखा था। पति के मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। एक दिन टुनटुनी काम से वापस घर लौट रही थी, तभी दुष्ट चील उसका रास्ता रोक लेता है। अरे टुनटुनी, मैं तो कहता हूँ तुम मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे रानी बना कर रखूँगा। अब तो तेरा पति भी नहीं है रोकने टोकने वाला। मैं तो कहती हूँ तू मेरा रास्ता छोड़, वरना मैं तेरा ये हाल करूँगी, तू तेरा मुंह देखने भी लायक नहीं बचेगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा बात काटेगी, इसका अंजाम तुम जरूर भुगतोगी। टुनटुनी चिड़िया को धमकी देकर वो दुष्ट चील वहाँ से भाग जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो चील अपने साथियों के साथ टुनटुनी चिड़िया का घर पर हमला कर देता है। उस समय घर पर कोई भी नहीं था। टुनटुनी काम पर गई थी और उसके दोनों बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए गए थे। जब दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो अपना घर टूटा हुआ देखकर रोने लगते हैं। जग्गू, ये हमारा घर किसने तोड़ दिया? हाँ पता नहीं कुक्कू, किसने तोड़ दिया? तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती हैं। ये सब तो उस दुष्ट चील का काम है। मैं अभी जंगल के मुखिया जी के पास जाके उसकी शिकायत लगाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ मुखिया जी के पास जाती है। मुखिया जी, एक दिन इस चील ने मेरा रास्ता रोका, मैं इसकी बात नहीं मानी तो आज मेरा इसने घर तोड़ दिया। अब आप ही बताइए मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रही है। क्या इसने मुझे देखा इसका घर तोड़ते हुए? ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है। पर मुखिया जी, इस जंगल में मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर कौन मेरा घर तोड़ेगा? टुनटुनी, जब तुमने देखा ही नहीं तुम्हारा घर किसने तोड़ा, तो किसी पे इल्जाम लगाना सही बात नहीं है। मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों को लेके उसके भाभी के पास चली जाती है। भाभी, आप मेरी मदद करिए, मेरा घर टूट गया है, मैं कुछ दिन अपने बच्चों के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। क्यों टुनटुनी, क्या हुआ तुम्हारे घर को, कैसे टूट गया? क्या बताऊँ भाभी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो काम करने के लिए गई थी, बस कुछ ही दिनों की बात है, मुझे अपने घर में आसरा दे दो। तुम तो देख ही रही हो टुनटुनी, मेरा घर कितना छोटा है, उसमें मेरे ही बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे, इतनों बच्चे का खर्चा कैसे उठाऊंगी? भला इसमें है तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ इधर उधर भटक रही थी। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? माँ, मुझसे और अब उड़ा नहीं जा रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया को जंगल के पास एक पुराना ट्रेन का डब्बा दिखाई देता है। कुकू, जग्गू, आज से हम इस ट्रेन के डब्बे में ही अपना घर बना के रहेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस ट्रेन के डिब्बे में रहने लगती है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया के साथ रहती थी। उसे भुट्टे खाना बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने दोस्त कुक्कू चिड़िया के साथ बस स्टॉप में खड़ी थी, तभी अचानक से बारिश होने लगती है। टुनटुनी, ये बारिश का मौसम कितना सुहाना है, चल चलकर कहीं बैठते हैं और इस बारिश की आनंद लेते हैं। टुनटुनी इधर उधर देखती है। वो देख, वहाँ पे भुट्टे हैं। चल हम चलकर भुट्टे खाते हैं, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर हम हमारे घर चले जाएंगे। वो दोनों भुट्टे वाले के पास जाते हैं। भुट्टे वाले भैया, दो प्लेट गर्मा गर्म भुट्टे देना। फिर वो भुट्टे वाला टुनटुनी को गर्मा गर्म दो प्लेट भुट्टे दे देता है। वो दोनों मजे से भुट्टे खाने लगते हैं। कुकू,
तू जानता है मुझे बारिश के मौसम में भुट्टे खाना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है, वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने माँ से ऐसे कहती है, माँ आज मुझे पिज्जा खाना है, तुम घर में खाना मत बनाओ, हम दोनों मिलकर पिज्जा खाएंगे। ठीक है टुनटुनी बेटा, जब तेरा मन है पिज्जा खाने को तो ऑर्डर कर दे, मैं भी पिज्जा खा लूंगी। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ जल्दी आओ पिज्जा आ गया, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तभी वहाँ पे रानो चिड़िया आती है। ये क्या टुनटुनी, तुमने ये कौन सा पिज्जा मंगवाया है, इसमें तो केवल भुट्टे के दाने ही पड़े हैं। टुनटुनी चिड़िया कुछ बोले बिना ही उस पिज्जे को खाने लगती है। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, उसके घर के बाहर ही भुट्टे वाला गर्मा गर्म भुट्टे बेचने लगता है। भुट्टे वाले भैया तुम इधर ही रुकना, कहीं मत जाना, मैं अभी अपनी माँ के पास जाके पैसे लेकर आती हूँ। माँ घर के बाहर भुट्टे वाला आया है, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे भुट्टा खाना है, अगर देर करूँगी तो वो यहाँ से चला जाएगा। टुनटुनी बेटा तुम भुट्टे का नाम सुनते ही पागल हो जाती हो, ये लो पैसे जाकर भुट्टा खरीद लो। भैया मुझे तो गर्मा गर्म भुट्टे देना। अभी देता हूँ बहन जी। बहन जी किसको बोला, शहर के टॉप कॉलेज में पढ़ती हूँ, अगली बार मुझे बहन जी मत बुलाना, चुप भुट्टे दे और भाग यहाँ से। टुनटुनी भुट्टे लेकर अंदर आती है, तभी वो छींकने लगती है। टुनटुनी बेटा लग गई ना सर्दी, मैंने तुम्हें कितने बार मना किया है बारिश में भीगो मत। पर माँ बारिश में भीगने में कितना मजा आता है, एक बार आप भी बारिश में भीग कर देखना। तुझे क्या पता है टुनटुनी बेटा, अगर तुम बारिश में भीग गई तो तुम्हें सर्दी बुखार हो जाएगा, चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म भुट्टा खा लो। टुनटुनी चिड़िया भुट्टा खाने लगी और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी से रहने लगी। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चुनचुन और अपने आलसी पति कालू कव्वे के साथ रहती थी। उसका पति आलसी होने के कारण टुनटुनी को ही सारा खेती का काम देखना पड़ता था। उसने अपने खेत में कई सारे अनार के पेड़ लगा रखे थे, जो अनार बेचकर वो अपना घर का खर्च चलाया करती थी। एक दिन वो अपने खेत पर काम कर रही होती है, तभी उसकी पुरानी एक सहेली उसके पास आती है। अरे टुनटुनी मैं जब भी देखती हूँ तुम्ही खेत पर काम करती हो, तुम्हारा पति कालू कौवा क्या करता है, तुम अकेले ही घर और खेती कैसे संभाल लेती हो। क्या करूं दोस्त, मैंने इनको कई बार बोला लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं, थक हार कर मुझे ही इन अनारों को संभालना पड़ता है, अगर मैं इनकी देखभाल नहीं की तो सारे अनार के पेड़ सूख जाएंगे, वैसे भी मेरा पति कुछ काम भी नहीं करता, अगर ये पेड़ भी सूख गए तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी। तेरी बात सही है टुनटुनी, लेकिन तू इस तरह कालू कौवे को छोड़ देगी तो वो और ज्यादा आलसी हो जाएगा और तुम पर बोझ बन जाएगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे कालू कौवे को समझाऊं, कैसे उनको काम पे लगाऊं। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, वो अपने आलसी पति को जगाते हुए ऐसे कहती है कि कालू जी सुनिए जल्दी उठिए, दोपहर होने वाली है, रात भर तो सोए रहे थे ना आप, और कितना सोओगे, जाओ जाकर अनार के पेड़ों पर पानी डाल दो, अगर पानी नहीं दिया तो सारे पेड़ सूख जाएंगे, अगर सारे पेड़ सूख गए तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। टुनटुनी मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, मुझे नींद से मत जगाया कर, अच्छा भला सो रहा था, रोज तो तुम्ही
पानी डालती थी ना, आज मेरी जरूरत कैसे पड़ गई। जा जाकर तू ही जाके कर ले, मुझे नींद से जगाया मत कर। पापा माँ की तबीयत खराब है, 2 दिनों से माँ के पेट में दर्द है। तू चुप हो चुनचुन बेटा, आज मैं देखती हूँ तेरे पापा खेत पर कैसे नहीं जाते। कालू जी अगर आप खेत पर नहीं गए तो मैं चुनचुन को लेकर मायके चली जाऊंगी। अगर तू कहती है तो मैं कल से खेत पर चला जाऊंगा। इतना कहकर वो कालू कौवा फिर से सो जाता है। अगले दिन भी वो खेत पर नहीं जाता है। फिर टुनटुनी अगले दिन अपनी बेटी चुनचुन को लेके मायके चली जाती है। शाम तक कालू कौवे को जब टुनटुनी और उसकी बेटी दिखाई नहीं देती तो वो अपने आप से कहता है, लगता है टुनटुनी मुझे छोड़कर चली गई है, मुझे भूख भी लग रही है, पहले जाके खेत से कुछ अनाज तोड़ के खा लेता हूँ, फिर सोचता हूँ क्या करना है। वो कालू कौवा अपने खेत पर आकर देखता है तो सारे अनार पानी के बगैर सूख चुके थे और सारे अनार खराब भी हो चुके थे। हे भगवान, ये सब मेरे आलस की वजह से हुआ है। कालू कौवा नदी से पानी लाकर अनार के पेड़ों पर डालता रहता है और अपनी आलस छोड़कर उन अनार के पेड़ों को देखभाल करने लगता है। कुछ दिनों में वो सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं और उन पे लाल और रसीले अनार नजर आने लगते हैं। ये सब देखकर वो कालू कौवा बहुत खुश होता है और कुछ अनारों को तोड़कर बाजार में बेचने लगता है। जब ये बात टुनटुनी चिड़िया को पता लगता है तो वो अपनी बेटी को लेके घर लौट आती है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अनार की खेती करने लगे और अपनी नन्ही सी बेटी के साथ खुशी खुशी से रहने लगे।